तो पिछले एपिसोड में सिंग्यू ने पांचों बड़े क्लैन की एक फैमिली मीटिंग बुलाई थी और उनसे अपनी पावर को हैंडओवर कर देने के लिए कहा था, लेकिन असल में इस बात से कोई भी खुश नहीं होता है। और इसके अलावा अब ये लोग सिंग्यून के खिलाफ जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद सिंग्यून आगे आता है क्योंकि यहाँ पर कोई उससे मिलने के लिए आया था और वह सिंग्यून को रिस्पेक्ट भी देता है। याद एक सिंग्यून उस आदमी से कहता है, क्या तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो, लेकिन तुम्हें मेरे सामने इतने ज्यादा विनम्र होने की जरूरत नहीं है। लेकिन असल में यह आदमी सच में विनम्र होता है और वह कोई झूठी एक्टिंग नहीं कर रहा था, इसलिए सिंग्यून को उसके अंदर कुछ अलग दिखाई देता है और वह समझ जाता है कि यह आदमी बाकी दूसरों के जैसा नहीं है। इसके बाद सिंग्यून यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वह आदमी उसे कोई बात करना चाहता था इसलिए वह तुरंत उसे रोकता है और फिर बताता है कि मैं वेंसिंग सिटी के पनिशमेंट मिनिस्ट्री का हेड हूँ। इसके बाद वह आदमी अपना नाम लुजेन बताता है और सिंग्यून से कहता है कि मुझे अभी पता चला कि वेंसिंग सिटी अब से आपके कंट्रोल में है, इसलिए मैं यहाँ पर आपसे कुछ एडवाइस लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझसे जितना हो सकता है मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब सिंग्यून उसकी पूरी बात को ध्यान से सुनता है। इसके बाद वह लुजेन से कहता है कि अगर ऐसी बात है फिर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अब उसके इस बात को सुनकर लुजेन इसके बारे में पूछता है और कहता है कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी से उसका जवाब दूंगा। तब सिंग्यून लुजेन से कहता है कि तुम तो पनिशमेंट मिनिस्ट्री के इंचार्ज हो, इसलिए तुमने पांचों बड़े फैमिली में से डुआन फैमिली के बेटे डुआन फेंग के बारे में तो जरूर सुना होगा। यह सुनकर लुजेन सिंग्यून से कहता है कि हाँ, मैं उसके बारे में जानता हूँ क्योंकि मैं अब तक कई बार उससे मिल भी चुका हूँ। तब सिंग्यून उससे पूछने लगता है कि अगर पांचों बड़े फैमिली का कोई बेटा हो और फिर भी उसने घुड़सवारी करके होली स्टार सिटी में परेशानी खड़ा किया हो, इसके अलावा उसने बहुत से लोगों को जख्मी भी किया हो और खुद अपने माता पिता को धोखा देकर अपनी जान बचाकर भागना चाहता हो, तब इस क्राइम के लिए तुम कौन सा पनिशमेंट सजेस्ट करोगे। यह सुनकर लुजेन सिंग्यून से बताता है कि अगर हम इस क्राइम के पनिशमेंट की बात करें तब इसके लिए डुआन फेंग के कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए और इसी के साथ उसे औषधि निर्माण के लिए किसी दूसरे सिटी में भेज देना चाहिए जहां पर उसे कठिन मेहनत करना पड़े। अब इस बात को सुनते ही डुआन फेंग की हालत खराब हो जाती है, जिसके बाद सिंग्यून लुजेन से कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पर खड़े मत रहो और तुरंत इस बात पर एक्शन लो। यह सुनकर लुजेन तुरंत अपने लोगों को यहाँ पर बुलाता है क्योंकि अब डुआन फेंग को यहाँ से निकाला जाएगा, लेकिन इसके पहले उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी और बिस्ट के झुंड वाली प्रॉब्लम जैसे ही खत्म होगी उसके तुरंत बाद उसे यहाँ से किसी दूसरे सिटी में भी भेज दिया जाएगा। लेकिन इस बात से डुआन फैमिली के एल्डर बिल्कुल भी खुश नहीं होते और इसलिए वह डुआन फेंग को बचाने के लिए उसके सामने खड़े हो जाते हैं। यह देख लुजेन उनको सामने से हट जाने के लिए कहता है, नहीं तो फिर इसके लिए उनको भी जख्मी होना पड़ेगा। लेकिन एल्डर इस बात के लिए तैयार नहीं होते और लुजेन से कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में बड़े ध्यान से सोचना चाहिए क्योंकि तुम्हें भी पता है कि अगर तुमने डुआन फैमिली से पंगा लिया तब उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा, क्योंकि तुम केवल पनिशमेंट मिनिस्ट्री के हेड हो जिसकी वजह से तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन अब उनकी यह बात सिंग्यून को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वह उनसे कहता है पनिशमेंट मिनिस्ट्री को मैंने ऑर्डर दिया है और इसके अलावा लुजेन रूल के हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन क्या इसके बावजूद भी तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं करना चाहते। यह सुनकर उनमें से एक एल्डर सिंग्यून से कहने लगता है कि तुम खुद को इतना ग्रेट मत समझो क्योंकि तुम केवल वांजियन पवेलियन के सेक्ट मास्टर हो, लेकिन तुम्हें भी पता है कि इस होली स्टार सिटी में डुआन फैमिली क्या चीज है। अब इनके इस बात से सिंग्यून बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन इस बार वह इनके ऊपर किसी वेपन से अटैक नहीं करता बल्कि वह केवल अपनी एक पावर का यूज करता है जिसके सामने कोई भी एल्डर एक सेकेंड भी नहीं टिक पाता और सभी एक पल में उसके सामने झुक जाते हैं। अब इस बात से एल्डर बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनके पास में हेवनली स्पिरिट रिल्म की कल्टीवेशन है, लेकिन इसके बावजूद भी वे लोग इसके सामने नहीं टिक पाए हैं। इसके बाद सिंग्यून इनसे कहता है कि तुम्हें अब अपनी औकात भी देख लेनी चाहिए क्योंकि होली स्टार सिटी अब से तुम्हारे पांचों बड़े फैमिली के डोमेन में नहीं है। इसके बाद सिंग्यून लुजेन से कहता है कि मैं अब आगे की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और इसके बाद वह उसे बताता है कि मैं पनिशमेंट मिनिस्ट्री में किसी को भेजने वाला हूँ। तब लुजेन कहता है कि मेरे लोग अब आपकी सेवा में हैं और इसके बाद सिंग्यून यहाँ से चला जाता है, जबकि लुजेन डुआन फेंग के ऊपर एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर सिंग्यून अपने पेरेंट्स के पास आ गया है जहाँ पर सिंग्यून के डैड उसे और उसकी मदर को वेस्ट रीज के माउंटेन का चाय पीने के लिए देते हैं, जिसको पीने के बाद बहुत ही अच्छी नींद आती है। तभी सिंग्यून की मदर उसे कहती है कि जब डुआन फैमिली से तुम्हारा सामना हुआ था तब मुझे लगा था कि तुम उनको पूरी तरह से खत्म कर दोगे। तब
सिंगयुन अपनी मदर से कहता है कि मैंने आपके वार्निंग को अच्छे से याद रखा है। इसके बाद सिंगयुन की मदर कहने लगती है कि आज होली स्टार सिटी के फैमिली की वैल्यू बहुत ही बुरी तरह से खराब हो गई है, लेकिन फिर भी भले ही उसमें से चारों फैमिली कमजोर है लेकिन उनके पास में बहुत बड़ी विरासत है, इसलिए उनको उनके मर्जी से पावर को हैंड ओवर कराना और माउंटेन में भेजना इतना आसान काम नहीं होगा। यह सुनकर सिंगयुन के डैड भी कहने लगते हैं कि यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस वक्त तुम मार्शल आर्टिस्ट के साथ साथ एक मास्टर भी हो, इसलिए 18 एंशियंट सिटीज और 18 डायनेस्टीज को अलग अलग तरीके से सामना करना होगा, जो कि बेस्ट इनिशिएटिव को खोजने का सही तरीका है। तभी सिंगयुन की मदर कहने लगती है कि भले ही तुमने यहाँ के लोगों का दिल जीत लिया हो, लेकिन इसके बाद भी चारों बड़े फैमिली अपनी पावर को इतनी आसानी से दूसरों के हाथों में नहीं जाने देंगे, इसलिए वह जरूर ही कोई सीक्रेट प्लान बना रहे होंगे। यह सुनकर सिंगयुन अपनी मदर से कहता है कि आपकी चिंता बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए भी मेरे पास में एक प्लान है, क्योंकि होली स्टार सेक्ट के फैमिली सिस्टम बहुत ही स्ट्रिक्ट है, इसलिए आप इसमें जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे उसके साथ में आपकी पावर भी बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से पूरे 18 एंशियंट सिटीज में वह सबसे पावरफुल है, इसलिए अगर हम उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं तब इसके लिए हमें उनके सिस्टम को तोड़ना होगा, इसलिए मैंने चारों फैमिली के पुराने जनरेशन वाले सीनियर को खत्म करने का डिसाइड कर लिया है, जिसके बाद बाकी सब कुछ मेरे डैड के कंट्रोल में होगा, जिसकी वजह से चारों फैमिली के विरोध को आसानी से रोका जा सके। अब इस बात को सुनते ही उसके डैड हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद सिंगयुन कहता है कि इसके अलावा उन चारों फैमिली में यंगस्टर्स की कोई भी कमी नहीं है, जिसकी वजह से उनके पास में बहुत अच्छे अच्छे आइडिया भी होंगे, इसलिए अगर उनको 18 एंशियंट सिटीज और 18 डायनेस्टीज के बंटवारे पर फोकस किया गया तब यह चीज वांजियान पवेलियन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छी होगी, इसलिए अब एक नई ताकत को लाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन तभी सिंगयुन की मदर कहने लगती है यह चीज उतनी भी आसान नहीं हो सकती जैसा कि तुम सोच रहे हो, क्योंकि 18 एंशियंट सिटीज के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको यह पावर जनरेशन टू जनरेशन मिली है, जिसकी वजह से उनके बीच में बहुत ही मजबूती और एकता भी है, इसलिए तुम केवल अपने कुछ बातों से उनको वांजियान पवेलियन के सामने सरेंडर नहीं करा सकते। इस बात पर सिंगयुन के डैड भी कहने लगते हैं कि यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे पास में जो पोजीशन है उसकी मदद से तुम्हें यंगर जनरेशन को मैनेज करना है, इसलिए हमारे पास कोई ऐसा सही तरीका नहीं है जिसकी मदद से हम एक्यूरेट हिसाब कर सकें। तब सिंगयुन इनसे कहता है कि मैंने इस मैटर के बारे में बहुत ही ज्यादा सोचा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यंगर जनरेशन को आप मैनेज करें, और इसके अलावा मेरी मदर को जिसके बारे में चिंता है मैं उसके बारे में बहुत अच्छे से अवेयर हूँ, और इसीलिए मैंने आज रात चारों फैमिली के मास्टर को सेपरेट करने का डिसाइड कर लिया है। वहीं दूसरी ओर सभी मास्टर भी एक साथ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि वह भी सिंगयुन के बारे में बात करना चाहते हैं। इसके बाद टेंग फैमिली का मास्टर कहने लगता है आज हमारे चारों बड़े फैमिली के लिए बहुत ही भयानक दिन रहा है, क्योंकि सिंगयुन ने अपने काम से अनगिनत लोगों का भरोसा जीत लिया है। तभी एक दूसरा मास्टर कहता है क्या तुम इसके बारे में भी कुछ कर सकते हो, क्योंकि उसके पास में जितनी ताकत है अगर हम चारों मिलकर भी उसके सामने खड़ा हो जाए फिर भी हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तभी डुआन फैमिली का मास्टर टेंग फैमिली के मास्टर से कहने लगता है क्या तुम सिंगयुन के सामने सरेंडर करने वाले हो। इस बात पर टेंग फैमिली का मास्टर कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम चाहते हो कि मैं भी उसके खिलाफ जाऊं और मेरी हालत भी तुम्हारी जैसी हो जाए। अब उसके इस बात को सुनकर डुआन फैमिली का मास्टर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है, लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।